हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा पांडे अपने चैनल राधे कृष्ण में आपका स्वागत करती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, मेरी कोई रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इम्यूनिटी बूस्टर एक मिल्क शेक बनाया है, जिसे लोग काजू बादाम मिल्क शेक भी बोलते हैं, बट मैंने अपनी नॉर्मल जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं से बनाया है। और उसे आप देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। एक काढ़े की भी रेसिपी है, मैंने डाली है, वो बहुत ही अच्छी और कारगर है। मेरा भाई इस समय कोरोना पॉजिटिव है, मैं उसको दे रही हूँ, उसे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है, कृपया आप उसे ज़रूर देखें। मिल्क शेक के इंग्रेडिएंट्स देखें, 5 इलायची, 8 से 10 काजू का टुकड़ा, मेरे पास काजू टुकड़ा था इसलिए मैंने काजू टुकड़ा लिया है, पिस्ता, बादाम और काजू गार्निशिंग के लिए, जैसे आपकी मर्जी हो, और 6 से 7 बादाम और 1/2 लीटर मिल्क फुल क्रीम, और इसमें डालेंगे फुल क्रीम मिल्क, और इसमें डालेंगे कलर, या आप मैंने इम्यूनिटी के लिए बनाया है मैंने इसलिए हल्दी का प्रयोग किया है, मैंने 2 चुटकी हल्दी ली हुई है, ये रखी है आपके पास हल्दी, और ऐसे दूध को आधा आधा बांट लेंगे, एक भगोने में रख देंगे, एक बर्तन में ही रखा रहने देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आधा मैंने इसमें फ्राई पैन में कर लिया है, ठंडा ही रखा रहने देंगे। इसमें सभी चीज़ें जो हमने इकट्ठी की हैं, बादाम, काजू टुकड़ा वगैरह, सब एक साथ डालकर इसको पीस लेंगे, और ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, ये दूध आधा रह जाएगा तब इसमें ये सारा सामान हम लोग मिला देंगे, जैसे जो हमने अभी पीसा हुआ है, देखिए ये पिस गया है मिक्सी में, और इसमें थोड़ा दूध डालकर मैंने हिला लिया ताकि ये इसमें कुछ चिपका ना रहे, अच्छे से इसे बाहर निकाला जा सके, देखिए, और इसमें डाल के फिर इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, और इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच नॉर्मल जो खाना खाते हैं उससे, वो चीनी, ये मैंने रखी है चीनी। अब देखिए ये उबाल आ रहा है, वो आधा हो गया था, उसमें मैंने दूसरा दूध भी मिक्सअप कर दिया है, देखिए इस तरह से ये गाढ़ा होने लग गया है, और इसमें मैंने 1 चुटकी जो 2 चुटकी हल्दी रखी हुई थी वो भी डाल दी, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, आप भी देख सकते हैं। और इसे 20 मिनट तक और बॉईल करेंगे, फिर ये गाढ़ा हो जाएगा, ये बहुत ही पावरफुल है और ये बॉडी को बहुत इम्यूनिटी प्रदान करता है। मेरे बाबा जो कि 93 ईयर ओल्ड हैं, वो इसे डेली प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने ये नुस्खा बताया है। अब देखिए ये मैंने ठंडा करके इसे ग्लास में सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, और खाने में भी ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी है, आप कभी अपने घर ट्राई करें ज़रूर, बहुत ही स्वादिष्ट है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये खाने में पीने में बहुत टेस्टी है, प्लस ये फ़ायदा बहुत करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अगर वैसे कोई नहीं पीता है, बच्चे बड़े सभी लोग उसको ले सकते हैं, आप ठंडा करके चाहें ठंडा करके लें, नॉर्मल चाहें तो नॉर्मल लें, मैंने नॉर्मल ले रखा है क्योंकि ये मैंने पर बीमारी के लिए बनाया है इसलिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ या ब्लॉग के साथ। मैं शिल्पा पांडे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरा चैनल समझ में आए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं।